नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमें किसी भी तरीके के जानवर क्यों नहीं पालने चाहिए। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो जानवर पालने का शौक़ होता है या फिर उन्हें कुंडली में ये किसी पंडित द्वारा बता दिया जाता है या किसी एस्ट्रोलॉजर द्वारा बता दिया जाता है कि आप ये स्पेसिफिक जानवर या स्पेसिफिक पक्षी पालिए या ये पालिए तो आपको धन की वृद्धि होगी या संतान सुख हो जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पर सही मायने में मैं बात करूँ तो कोई भी जानवर अगर आप पालते हैं तो उससे सिर्फ लाइफ में नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी बहुत कम आती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई जानवर पालते हैं, चाहे अगर हम कुत्ते की बात करें या खरगोश की बात करें या बिल्ली की बात करें या हम चिड़िया की बात करें जो आमतौर पर पाले जाते हैं, किसी भी जानवर को जब हम अपने एनवायरनमेंट में ले आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला नेगेटिव ट्रेट इसके साथ जुड़ा है वो ये है कि वो अपना जो उसका सही एनवायरनमेंट है, जो सही लिविंग कंडीशंस हैं जहाँ पे उसको कंफर्टेबल फील होता है, हम उससे हटा के उसको एक ऐसे ह्यूमन के एनवायरनमेंट में ले आते हैं जहाँ की उसको आदत नहीं है। हालांकि हम उसको बचपन के रूप से पालते हैं, छोटे उससे पालते हैं और अडेप्ट होने की कोशिश करता है और कईयों के घर में अडेप्ट हो भी जाता है, बट स्टिल जो उनकी नेचुरल प्रवृत्ति है जिस एनवायरनमेंट में रहने की, उस प्रवृत्ति से बिल्कुल हम उन्हें अलग कर देते हैं। दूसरी इसमें नेगेटिविटी जो जुड़ी हुई है साथ, वो ये है कि हम उन्हें अपने उनके परिवार से अलग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चलन चल गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आप कुत्ता पालोगे, बच्चा लाओगे, पप्पी लाओगे तो उसको उसके माँ बाप से जुदा कर दोगे। अब आप कहने को तो कहोगे कि उसके बाकी भाई बहनों को भी जुदा किया जाता है, क्योंकि जो भी डॉग ब्रीडर हैं वो एक एक बच्चे को किसी ना किसी को देते रहते हैं। और ये वाकई में एक तरीके का नेगेटिव कर्मा है, एक अपराध है, क्योंकि आप जब भी इस तरीके का काम करते हो तो एक छोटे से बच्चा, आप खुद सोचो, अगर आपके बच्चे को पैदा होते ही आपसे अलग करके किसी और को दे दिया जाए तो कितनी वेदना आप झेलोगे और वो बच्चा झेलेगा। सेम हम इन बेचारे पिल्लों के साथ करते हैं, खासकर कुत्ते के बच्चों के साथ ये होता है कि उन्हें अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। माँ से खासकर जिस टाइम में उन्हें माँ का प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, उनका दूध चाहिए, उन्हें अलग कर दिया जाता है और लोग ले जाते हैं अपने बच्चों के शौक़ को पूरा करने के लिए। और डॉक्टरी दवाइयाँ या डॉक्टरी वो जो है दुनिया भर के सेरेलैक टाइप चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ तक कि दूध भी उनको माँ का नसीब नहीं होता, जो मेन माँ के उसमें से निकला हुआ, जिससे उनको प्रोटीन्स भी मिले, पूरा पौष्टिक वो भी मिले और साथ में माँ के की छाती से लगने का जो सुकून है जो एक बच्चे को मिलता है, वो भी उससे भी हम उन्हें वंचित कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव कर्मा साबित होता है, चाहे हम इसको माने या ना माने। अब जो कोई कर रहा है, लोग बच्चे इधर उधर बेच रहा है, वो तो गलत कर ही रहा है, पर आप भी उसमें इन्वॉल्व होकर एक एक करके बच्चा आप लेते चले जाते हैं। अगर वहाँ पर उनकी माँ बैठी है तो उसकी आँखों में आप ज़रा देखिए कितनी वेदना वो झेल रही है। हालाँकि क्योंकि वो जानवर की योनि में तो वो कुछ कह नहीं सकती, मजबूर है, पर उसकी जो बद्दुआ है, उसकी जो हाय है, उसकी जो वेदना अंदर की, जो उसके इमोशंस हैं, उसकी गहराई आप नहीं समझ सकते। अगर आप अपनी लाइफ से कंपेयर करो, आप मदर हो अगर, या आपकी वाइफ है, या कोई भी है आपके घर में फीमेल मेंबर जिसके दो बच्चे हों, तीन बच्चे हों और एक एक बच्चा किसी किसी को दे दिया जाए तो कितनी तड़प आप झेलोगे। तो वही तड़प हम उन जानवरों को झेलने पर मजबूर कर देते हैं, या तो अपने शौक के चलते या अपने उपायों के चलते। उसके अलावा कोई भी जो जानवर है वो अपने जो एरिया है जहाँ पे और भी जानवर है उसके जैसे ही दिखने वाले हैं, अपने ही समाज और संगत में ही कंफर्टेबल फील करता है। अब हम इंसान हैं लोग, हम इस शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हम इंसानों के बीच में रहते हैं, हर तरफ हमें इंसान देखने को मिलते हैं। अगर हमें यहाँ से उठा के जंगल में पटक दिया जाए और वहाँ सिर्फ जानवर ही जानवर हो, एक भी इंसान ना हो, और हमें कहा जाए अब इसमें अडेप्ट हो, तो कितना अजीब हमारे लिए होगा, कितनी मुश्किलें हमें उठानी पड़ेंगी अडेप्ट होने में, कम्युनिकेशन में, हर तरीके से दूसरे प्राणी को समझने में। सेम चीज़ हम इन जानवरों के साथ करते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर है जो ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी कुत्ते का बच्चा लाएंगे या कोई चिड़िया लाएंगे या कोई खरगोश लाएंगे या कोई बिल्ली लाएंगे तो उसको चारों तरफ और बिल्लियाँ नज़र नहीं आ रही हैं और कुत्ते नज़र नहीं आ रहे और चिड़िया नज़र नहीं आ रही, तो जो उसका मेन समूह है, जो उसकी
ट्रेट है, एनिमल ट्रेट, उसका जो समूह है उससे हमने उसको जुदा कर दिया। एक मिनट के लिए फैमिली से जुदा किया वो एक अलग बात है, इसके साथ साथ हम उसके जैसे दिखने वाले जिससे वो इजीली कम्युनिकेट कर सके या उनसे कंफर्टेबल हो सके, ऐसे कोई प्राणी उसको आसपास नहीं दिखाई देते। जो दिखाई देते हैं वो हम इंसान हैं, जो हर तरीके से व्यस्त हैं, और हमारे और उसके बीच में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। तो उस जानवर को हर तरीके से अनकंफर्टेबल भी फील होता है, अडेप्शन में भी दिक्कत आती है, हर तरीके से उसको परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि वो मजबूर है क्योंकि उसकी आत्मा ऐसे पिंजरे में कैद है जानवर के, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। वो इसलिए आपकी बात भी मानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं कि इनको कोई हानि ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल अजीब चित परिचित चेहरे सामने नहीं होते, सारे अनजान चेहरे होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है इन पालतू जानवरों के साथ कि इनको अपने आसपास कोई भी अपने जैसा नज़र नहीं आता, तो ये ट्रॉमेटाइज स्टेट में ही जीते हैं। हालांकि धीरे धीरे हम उन्हें भोजन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो वो हमारे प्रति उनका ट्रस्ट बढ़ने लगता है, पर स्टिल वो कमी तो रहती ही है। अब हम आपसे कह दें आपको जंगल में पटक दिया जाएगा, चारों तरफ जानवर हैं, आप जानवरों के साथ रहना सीख तो जाओगे, पर जो फीलिंग ऑफ कंपैशन, जो फीलिंग ऑफ कंफर्ट आपको इंसानों के साथ प्राप्त होगा, वो उन जानवरों के साथ शायद ना प्राप्त हो। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव तीसरा ट्रेट इसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है, सबसे बड़ी इसमें नुकसान क्या है कि ये जानवर जो हैं कभी भी प्रसंग नहीं कर पाते। इनकी जो सेक्स लाइफ है ये हमारे पालने की वजह से ख़त्म हो जाती है। अगर आप कोई कुत्ता पाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी सेक्स लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म ही समझिए, क्योंकि हर वक्त वो घर में है, बाहर आप किसी भी फीमेल डॉग से उसको मेटिंग करने नहीं दोगे। और आप कोई चिड़िया भी पालते हो तो पिंजरे में हमेशा वो कैद है, कोई आप जो है वो भी पालते हो, कोई मछली भी एक आध एक तरीके की लाते हो रखते हो, उसकी भी मेटिंग हमने ख़त्म कर दी। खरगोश पालते हो उसकी भी मेटिंग नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। आप वो जो खुली आज़ादी है सेक्स करने की, संभोग करने की, वो हम पूरी तरीके से छीन लेते हैं, क्योंकि हम इंसान तो जो मर्जी आए करते हैं। और अगर हम जानवरों की भी बात करें, अगर हम इनकी जहाँ ये जंगलों में होते हैं, जहाँ भी इनकी नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ ये जी भर के इन्जॉय भी करते हैं, संभोग का आनंद भी लेते हैं, और ये उन्हें कुदरत ने दिया है, पर उस आनंद से हम इन्हें वंचित कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा प्राणी ही नहीं होता इनके जैसा जिसके साथ ये संभोग करें। अब आप जंगल में हो एज अ ह्यूमन बींग कह, तो आप जानवरों के साथ तो संभोग करोगे नहीं, आपको संभोग करने के लिए, सेक्स करने के लिए इंसान ही चाहिए होगा, और इंसान आपको वहाँ कोई मिले नहीं तो क्या करोगे? तो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको हर तरीके से ज़िंदगी में परेशानी फील होगी, इन अनइजीनेस फील होगी, क्योंकि सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी की भी लाइफ का, और इंसान तक पागल हो जाते हैं बिना सेक्स की। और जानवरों की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इंसानों से कहीं ज़्यादा, और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी सेक्स लाइफ को इस तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म करें और अपने पास रख के। हालांकि बहुत लोग हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपने जो पेट्स हैं उनकी ब्रीडिंग भी कराते हैं, मेटिंग कराते हैं। जैसे मेरे पास डॉग्स थे दो, एक तो मर गया, एक है उसकी मैं रेगुलर बेसिस पे मेटिंग कराता हूँ, दूसरे वाले की भी मेटिंग कराता था। तो एक मन में एक तसल्ली रहती है कि चलो इनको जो थोड़ा बहुत सेक्सुअल कम्फर्ट है वो एटलीस्ट वो डिप्राइव ये नहीं हो रहे हैं, ये मेटिंग के लिए जाते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेटिंग कराते ही नहीं अपने जानवरों को, वो हमेशा जानवर उनके बस एक खेल के लिए हैं, बच्चे खेल रहे हैं उससे, या उसको पिंजरे से बांध के रखा हुआ है, या पिंजरे में डाल रखा है, या चेन से बांध के रखा हुआ है, तो आप एक यातना ही दे रहे हो। अब जो लोग कोई अगर कमर्शली पर्पज़ से भी पालते हैं जानवरों को, गाय है, भैंस है, हाथी है, या कोई भी हुआ, हर वक्त घोड़ा है, वो हर वक्त बंदे रहते हैं खड़े हुए, ये देखा ही नहीं जाता कि आया ये इस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है या नहीं, आया इन्हें कितनी गर्मी लग रही है, कितनी ठंडक लग रही है, किस हिसाब से इनको कंफर्ट लेवल दिया जाए, क्या इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हम भले ही आज इंसान हो के अपने आप को डोमिनेंट समझे, ओवर पावर समझे, और इन जीवों पे ऐसी यातनाएं दें, पर इन जीवों की जो आहा है, जो बद्दुआ है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा है कि आप कभी भी जानवर मत पालिए। एक चीज़ और देखने को मुझे मिली है कि जानवर जब आपकी तरह अडॉप्ट नहीं हो पाता तो लोग अक्सर जानवरों पर गुस्सा निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी जानवर है उसकी प्रवृत्ति अलग है, उसका ट्रेट अलग है,
वो आपकी तरह अडॉप्ट हो ही नहीं सकता, आपकी तरह वो बर्ताव कर ही नहीं सकता, पर हम जबरदस्ती उनको फोर्स करते हैं कि हम वो हमारी तरह बर्ताव करें क्योंकि हमारे साथ वो रहते हैं। क्या कुछ चीज़ें सिखाने के लिए लोग जानवरों पे यातनाएं करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कमर्शियली तो इतनी यातनाएं होती हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। कहीं उनको दुनिया भर की चीज़ें उड़ाई जा रही हैं। अब जैसे घोड़ा है, बारात में जाता है, घोड़ी जाती है, वो उसके ऊपर इतना भारी वो डाल दिया जाता है। अगर आप ढंग से उसको देखो तो कई घोड़ियों के तो दुनिया भर के ब्रूजेज हुए हुए होते हैं, दुनिया भर के ज़ख्म हो जाते हैं, स्टिल वो खड़ी रहती है, वेट करती रहती है, उसको उसकी कोई सुनने वाला नहीं है कि वो थकी हुई है या क्या है। इतना बड़ा वो कैरेज कैरी करती है सारी चीज़ें, पर उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हाथी है, फेस्टिवल्स में यूज़ होता है, दुनिया भर का उनके ऊपर लाद दिया जाता है सजाने की चीज़ें, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उन्हें पूरे दिन बांधे रखा जाता है, कोई आपको बांध के रखे पूरे दिन खड़ा रखे, कितना आपके लिए ये ट्रॉमेटाइजिंग होगा। कोई भी पक्षी है जिसके लिए आज़ादी, उड़ना ही सबसे बड़ी खुशी है उसके लिए। हर वक्त वो एक छोटे से पिंजरे में कैद है। आप दाना डाल रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे उस पर। आप लाए हो तो आपका फ़र्ज़ है खिलाना, पर उसकी आज़ादी जो आपने ख़त्म कर दी, कितनी बड़ी आपने उसको यातना दी है। आपको घर में ही कैद कर लिया जाए 1 मिनट के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, तो आप खुद सोचिए, आप पागल हो जाओगे। आपको खाना मिले, बढ़िया से बढ़िया पानी मिले, पर घर में आप कैद रहो अकेले, तो कितनी बड़ी यातना, एक तरीके से तो जेल ही हो गई है उन जानवरों को। तो कोई भी तरीके से आप जब भी जानवर पालते हो तो उनके लिए ये नेगेटिव ही है। आप कोई बहुत बड़ा उन पर उपकार नहीं कर रहे। कोई भी जानवर किसी भी हैबिटेट में है, कहीं भी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में है, तो रोटी कैसे खानी है, कैसे अपने अपना पेट भरना है, ये उसको पता है। आप उसको अपने यहाँ रख के उसको एक रोटी खिलाने के नाम पे कि हम उसे रोटी खिला रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो उसके अलावा कितनी चीज़ें आप उसकी लॉस कर रहे हो, कितनी चीज़ों से उसको डिप्राइव कर रहे हो, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। जो मैंने चीज़ें अभी गिनाई हैं, आज़ादी डिप्राइव हो गई, सेक्स लाइफ डिप्राइव हो गई, उसके लोनलीनेस हो गई क्योंकि उसके जैसे लोग नहीं हैं, हर तरीके से एक अनुशासन हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गई जो आप फोर्स करते हो उसको अपनी तरह रहने के लिए, और जो भी कोई जानवर है उससे रिलेटेड जो उसके वो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बीमारी है, इलाज है, वो सब चीज़ें हैं वो उसके लिए, और संक्रमण है, ये चीज़ों का रिस्क तो आपको हमेशा रहता ही है। तो हमेशा कभी भी इंसान जो है उससे को इंसानों के बीच में रहना ही सही है। जो भी जानवर हैं, जो उनकी जो उनका नेचुरल ट्रेट है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पे उन्हें रहने दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कोई जानवर पाल रखा है तो कोशिश कीजिए जो भी कमियां आपने, ये जो मैंने कमियां गिनाई हैं, ध्यान से देखिए अपने जानवर को कि कितनी ये कमियां उसको फील होती होंगी। जानवर है या तो उसकी मीटिंग करवाइए या उसको और उसके जैसे लोग जानवरों से मिलवाइए ताकि उसे कंफर्टेबल फील हो, थोड़ा उसको बाहर लेके जाइए, उसको आज़ादी फील हो। और जिन लोगों ने पक्षी पाल रखा है उनको तो यही कहूँगा कि उन पक्षियों को आज़ाद कर दो, उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा उपाय कोई उपाय नहीं है, ऐसा शौक कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म है उनके ऊपर। कोई भी जानवर है, अगर आप उन्हें सही नेचुरल हैबिटेट में पहुंचा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रखो, तो बहुत ध्यान से रखो, और उनको फोर्स मत करो किसी भी तरीके से एज अ ह्यूमन बीइंग अडेप्ट होने के लिए। उन पर किसी भी तरीके की वॉयलेंस इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जानवरों पर कोई भी आप बुरा कोई भी आप यातना देते हो तो ये सबसे ज़्यादा बड़े बुरे कर्मों में शामिल होता है। जानवर पाल के तो हमने पहले ही ख़राब कर लिया सब कुछ, पर उसके बाद अगर बहुत लोग हैं जो यातनाएं भी देते हैं अपने जानवरों को, टॉर्चर भी करते हैं, उन्हें बांध के रखते हैं, बंद रखते हैं, यहाँ तक कि उनका जो शिट का क्लॉक है वो भी पूरा ऐसा डिसिप्लिन कर देते हैं कि उसको आ भी रही होगी तो वो रोके पड़ा रहेगा, टॉयलेट रोके रख पड़ा रहेगा, पॉटी रोके पड़ा रहेगा, अगर गलती से कर देगा तो मार पड़ेगी। कितनी ज़्यादा यातना आप उसको दे रहे हो, कितना दर्द उसको दे रहे हो। सोचो आपका पॉटी शिशु रोक दिया जाए पूरे दिन कि तू करेगा सिर्फ रात में या तू करेगा सुबह ही, आप अपनी कंडीशन इमेजिन करो। और ये सारी यातनाएं हम उन बेजुबान जानवरों को दे रहे हैं, तो इतनी यातनाएं देके अगर आप सोचते हो कि आपको भगवान खुश हो जाएगा, मोक्ष दिला देगा, या आपको पता नहीं क्या पूजा का फल मिल जाएगा, तो आप सिर्फ भ्रम में जी रहे हो। तो आगे अगर आप कोई भी, मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई कि अगर आप कोई जानवर पालने की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, चाहे किसी के कहने पे, चाहे शौक के लिए, चाहे कुंडली में देख के, मत कीजिए। मैं किसी की भी कुंडली बनाता हूँ ये ज़रूर कहता हूँ कि जानवर नहीं पालना।
हालांकि आप गली के कुत्तों को, गली के जानवरों को खिला सकते हो, उसमें आपने उन्हें फीड भी कर दिया और उन पे कोई भी तरीके का बंधन भी आपने नहीं किया, वो आज़ाद है। तो आपको एनिमल्स की सेवा करनी है तो गली के जो जानवर होते हैं, जहाँ पे भी उनका हैबिटेट होता है नेचुरल, वहाँ जाके उनको डाल के आ जाओ, बट डोंट कीप देम इनसाइड योर हाउस। उनको अपने घर में रख के इंसान जैसा बनाने की जो एक कोशिश है, नाकाम कोशिश, इसमें अपना वक्त और उनका वक्त बर्बाद मत करो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानकारी मिले। अगर आपको मेरी धुनी चाहिए किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। ईमेल भी कर सकते हैं आप अपनी परेशानियाँ, पुलकित सिंगला 9001@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।